आज आप लोगों का ये पत्रकार सम्मेलन आयोजन करने में क्या उद्देश्य? विशेष 12 नंबर मंडल का यूथ सेक्रेटरी सुब्रो ज्योति ज्योति घोष का मर्डर हो गया था, इसीलिए उसके उस विषय में हम लोग प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि इसका अच्छा से छानबीन हो। मैं जानता हूँ ये अच्छा से नहीं होगा बंगाल सरकार के द्वारा से। हम लोग क्या चाहते हैं, इसको सीबीआई जांच हम लोग मांगते हैं और अच्छा से इसको छानबीन करके हम लोग को न्याय चाहिए। किसने किया होगा आप लोग तो जानते हैं यहाँ पर किसका बहुत प्रयोग होता है इसमें, और ज़्यादा सा तो अपोजिशन पार्टी को कुछ करने नहीं देता है। आप लोग यहाँ हमको बताना इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, ये आप लोग सब जानते हैं किसने किया है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ का सरकार नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ सीबीआई जांच होना चाहिए। ये आपका 12 नंबर मंडल का 7 नंबर मंडल में इसका कॉन्फ्रेंस का लेकर क्या हुआ? हम लोग परिवार है बीजेपी, माने हम लोग बीजेपी एक परिवार है, इसीलिए जो 7 नंबर का हो, 12 नंबर का हो, 14 नंबर का हो, 20 नंबर का वो आता है मतलब अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग एक परिवार होकर हम लोग काम करते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं उस भाई का न्याय हो। सर्वप्रथम तो मीडिया को मेरे दाजुभाइहरुलाई म आज यहाँ उपस्थित भइदिनुको लागि म धन्यवाद पठाउन चाहन्छु। र जुन चाहिँ हत्या कुरा छ, यो जहिलेदेखि यो भारतीय जनता पार्टी यहाँनिर योभन्दा अगाडिको जति बेला पञ्चायत इलेक्सनको अगाडि जति बेलादेखि खक्रिन थाल्यो त्यति बेलादेखि नै रुलिङ पार्टीलाई एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा उभ्रेको छ। र तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म ना भन्दा पनि 150 माथिको हाम्रो युथको दाजुभाइहरूको मर्डर टिएमसी पार्टीको रुलिङ पार्टीको छत्रछायामा भइसकेको छ। र अहिले यो घटना खालि साउथ बङ्गालतिर मात्रै हामीले देख्थ्यौँ, तर फिलहालमा हाम्रै डिस्ट्रिक्टमा हाम्रै एउटा युवा मोर्चाको, म युवा मोर्चाको प्रेसिडेन्ट थियो, अहिले हाम्रो जुन चाहिँ कमिटी स्थगित छ र नयाँ घोषणा हुन आँटेको छ, र त्यो भाइसँग म काम गरेको, म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु, एउटा पढा लिखा बहुत राम्रो केटा थियो र ऊमाथि योभन्दा अगाडि पनि हमला भइसकेको थियो। र यो भाइलाई त्यति बेला पनि हामीले प्रशासनलाई जनाएको थियौँ, र आज पनि उसको निर्मम हत्या जुन चाहिँ भएको छ त्यसको लागि हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ कि युवा मोर्चा चुबो लाएर बस्ने छैन। र बङ्गालमा जुन चाहिँ किसिमको यो रक्तचरित जुन चाहिँ चल्दैछ यो एकदम छुटो बन्द हुनुपर्छ। अगर यो भएन भने बङ्गालमा जुन चाहिँ आउँदो चुनाव छ त्यो चुनौतीको रूपमा हामीले पनि लिएर राखेको छौँ, र हामी यहाँनिर मजबुतीको साथमा नर्थ बङ्गाल सुपडा साफ गरेको छौँ। र त्यही डरले गर्दाखेरि आज हाम्रो मान्छेमाथि जुन चाहिँ आक्रमण हुँदैछ त्यो चाहिँ हामी हुनु दिनौँ अगाडिदेखि। र त्यही भन्दै हामी यसको जाँच पुलिसबाट होइन सिबिआईबाट सेन्ट्रलबाट हुनुपर्छ भनेर हामी तपाईँहरूको समक्षबाट हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट हामी प्रशासनलाई सरकारलाई यो हामी हाम्रो तर्फबाट जनाउन चाहन्छु। फूदर्श एक सक्रिय दिन के लिए ताजा स्वाद, सभी प्रकार के सीटीसी चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें murasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.foodarsh.com।